हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेट एप्लीकेशन के बारे में। प्लेट एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, प्लेट एप्लीकेशन एक एचडी वीडियो प्लेयर है जिसमें कि आपका किसी भी तरह का कोई वीडियो हो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। कोई सा भी फॉर्मेट का वीडियो हो वो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑफ प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ़ करने के बाद भी यहाँ पर आपका जो वीडियो या फिर MP3 होगा वो प्ले होता रहेगा। और भी यहाँ पर फ्लोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप जो भी वीडियो या MP3 प्ले कीजिएगा वो फ्लोटिंग होता रहेगा। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे MP4 को आप यहाँ पर MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है प्लेट, तो हम यहाँ पर प्लेट सर्च कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हैं प्लेट, तो फर्स्ट वाला है उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, इस एप्लीकेशन में आपको कुछ परमिशन देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपका जो भी वीडियो होगा आपके फ़ोन पर वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी वीडियोस है यहाँ पर से आपको वीडियोस दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जो भी फोल्डर होंगे वो सब आप यहाँ पर से देख सकते हैं, उसे प्ले कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के बाद में आप देख सकते हैं म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपके फ़ोन में जितने भी म्यूजिक होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल सॉन्ग का ऑप्शन है, यहाँ पर जितने भी आपके पास सॉन्ग होंगे वो सब आप यहाँ पर से उसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्ले में क्लिक करके इन सब को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट प्ले में जो भी आपने रिसेंट में प्ले किया होगा म्यूजिक या वीडियो, आप उसे यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद है नीचे में फेवरेट, तो जो भी सॉन्ग आपका फेवरेट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो प्लस का आइकन बना हुआ, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप अपना प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको कमिट में क्लिक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आपको जो YouTube का लोगो दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से जा करके आप YouTube के वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में तीन लकीर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर रिमूव ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर से आपको इस एप्लीकेशन में जो भी ऐड आता है उसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपको 85 पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे में देख सकते हैं फेवरेट वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर से आप अपने फेवरेट वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी फेवरेट वीडियो नहीं है तो अभी हम इसे बैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है चेंज थीम का ऑप्शन, यहाँ पर इसे इनेबल करते हैं तो आपका जो थीम है इस एप्लीकेशन का वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर से जाकर के इस एप्लीकेशन को फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पर है वर्सन अपडेट का, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जो भी अपडेट आएगा आप यहाँ पर से जाकर के उसे अपडेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पर है रेटर्स का ऑप्शन, इसे आप जाके रेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और लास्ट में है सेटिंग का ऑप्शन, और उसके बाद आप देख सकते हैं अबाउट अस, तो इस एप्लीकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अबाउट अस में क्लिक करके आप जान सकते हैं इसे यूज कैसे करना है। इस एप्लीकेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप यहां पर से देख सकते हैं। तो हम यहां पर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहां पर से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं गेस्चर ऑपरेशन है, तो यहाँ पर आप अपने वीडियो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे आप इनेबल करके अपने वीडियो को यहाँ पर जब आप वीडियो प्ले कीजिएगा उस समय आप अपने वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअस प्ले का ऑप्शन, यहाँ पर से आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपका जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूअस प्ले होता रहेगा, ऑटो प्ले होगा यहाँ पर से आप इसे इनेबल करते हैं तो। और उसके बाद मिल जाएगा आपको यहाँ पर ऑटो फ्लोटिंग प्ले का ऑप्शन, इसे आप इनेबल करते हैं तो आपका जो वीडियो होगा वो
फ्लोटिंग होता रहेगा आपका स्क्रीन पर। उसके बाद है सो वीडियो नेम, यहाँ पर से आप वीडियो का नेम देख सकते हैं। उसके बाद है नॉट शोइंग माई हिस्ट्री, आप यहाँ पर कोई सा भी वीडियो या म्यूजिक प्ले करते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं ये वाला ऑप्शन, तो वो आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा। उसके बाद आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा सो हिडन वीडियोज़, तो आपके फ़ोन पर जो भी हिडन वीडियो होगा इसे आप इनेबल कर देते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस एप्लीकेशन में। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।